हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़्यादा टोटली ये मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसका मैथ्स इसके लिए थोड़ा बेसिक्स ठीक होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा वीक थोड़ा मैथ्स ठीक भी नहीं है, तब भी मैं इसको ईजी वे में लेकर चलूँगा, ताकि सारी चीज़ें आसान रहें। मैं हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, जो भी रिक्वायर्ड होगी, पूरा बेसिक्स से लेकर चलूँगा और डीपली तक लेके जाऊँगा। अब देखिए, पहला हमारा चैप्टर है, यूनिट है सिग्नल्स की, सिग्नल्स एंड सिस्टम के बारे में पढ़ना। सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम क्या होता है, उनके टाइप, ये सब पढ़ेंगे इसमें। उन पर क्या ऑपरेशंस होता है, दोनों पे कैसे बनते हैं वो, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स। यहाँ पर एक चीज़ आती है, सिग्नल्स। हम अपने डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत ऑलमोस्ट रोज ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, मान लो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो मान लो आप रूम के अंदर हो, आपके क्या होता है, वो बात नहीं हो पाती अच्छे से, क्या कहते हैं हम, सिग्नल नहीं आ रहे, टावर नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, जो हम जिससे हम अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं, वहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो क्या हो रहा था, सिग्नल हम जो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो चीज़ अपनी तरफ से भेज रहे हैं, या वो उधर नहीं पहुँच पा रही, तो हमारी आवाज़ उधर नहीं सुनाई देती है। तो सिग्नल क्या हो गया, मतलब हमारी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। सिग्नल्स वही तो चीज़ हुई, जो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो क्या होगा, अगर उसकी बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक नहीं जा पा रही, हम कह रहे हैं उसको कि सिग्नल्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो सिग्नल्स का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, उसी चीज़ को तो हम सिग्नल्स कहेंगे। तो सिग्नल्स क्या हो गया, इसके अगर डेफिनेशन लिखना हो, सिग्नल के डेफिनेशन हो क्या लिखेंगे हम, सिग्नल क्या होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन एंड विच इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सिग्नल क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ये क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये हो गई मैथमेटिकली बात। अब सिग्नल्स जो होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं सिग्नल जो होते हैं हमारे, बेसिकली कितने हो सकते हैं, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या होता है, जहां पे फंक्शन सिंगल वेरी एक जिस मतलब जिसमें फंक्शन जो जिसमें फंक्शन केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, उसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल। अगर वहाँ दो या दो से ज्यादा पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, मल्टी डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल क्या हो गया, वन डायमेंशनल क्या हो जाएगा, व्हेन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल
इज कॉल्ड, देन सिग्नल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल. फॉर एग्जाम्पल स्पीच सिग्नल होता है, स्पीच सिग्नल देखा होगा उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ठीक है. तो टाइम के साथ उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है. उस स्पीच सिग्नल जो होता है, स्पीच सिग्नल इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. इसका एग्जाम्पल हो गया एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है टाइम के साथ. तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होता है, एक ही उसका वेरिएबल का वो फंक्शन होता है एम्पलीट्यूड. देखिए कैसे मैं दिखाता हूँ. कभी आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं फोन में, मोबाइल फोन में, तो किस टाइप का ग्राफ बन के आता है वहां पे देखते हैं. तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बन के आता है. इस टाइप से यहां पे क्या आ रहा है, टाइम और ये एम्पलीट्यूड है. यहां पे क्या हमारा फंक्शन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, टाइम का, टाइम के साथ वेरी हो रहा. तो इसमें कितने वेरिएबल आए, केवल टी आया. तो एक वेरिएबल इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे इसे, वन डायमेंशन सिग्नल. नेक्स्ट होता मल्टी डायमेंशनल. नेक्स्ट क्या होता, मल्टी डायमेंशनल. इसमें क्या होता है, when function depends on two or more independent variable, ठीक है, independent two or more variable. तो क्या इसको क्या बोलेंगे हम, then signal is called, मल्टी डायमेंशनल का एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल सिग्नल. इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल, आपको कोई और पता है तो आप एग्जाम उसमें कमेंट करके बताना. मैं देखो देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल इमेज में क्या होता है, इसमें दो वर्टिकल और इमेज कंटेन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. एक इमेज होती है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं. हम क्या करते हैं, फोटो का साइज, जो इमेज होती है उसका साइज बढ़ा या घटा सकते हैं. यानी उसकी अगर हमें चौड़ा करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल को बढ़ाएंगे, और हमें उसकी लंबाई बढ़ानी है तो क्या करेंगे हम, उसके वर्टिकल कोऑर्डिनेट को ठीक करेंगे, ठीक है. तो इमेज किसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये कोई इमेज है एक्स वाई जेड, ठीक है. अगर ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं. इन चारों पॉइंटों के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ. अगर इनको हम वेरी कर दें, अगर मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मतलब उसकी फोटो की क्या होगी, चौड़ाई बढ़ेगी. अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी. इस टाइप से होता है, ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तरफ, सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन. ये तो हमने जनरल होते हैं दो तरह के, वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन. सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, देखिए कितने टाइप के होते हैं. कैसे इसको हम करते हैं, पहला होता है कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. सेकेंड, कंटिन्यूअस वैल्यूड और डिस्क्रीट
वैल्यूड सिग्नल, और क्या क्या होता, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, इसको एपीरियोडिक भी कहते हैं, सिग्नल्स। नेक्स्ट ऑड और इवन, ऑड और इवन सिग्नल्स। और नेक्स्ट है एनर्जी और पावर सिग्नल्स। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, सभी के बारे में वन बाय वन कवर करते चले आएंगे। इन पे ये इन तीनों का तो ये इनको तो ज़्यादा समझना ज़रूरी है, ये कम रहता है, कम ये केवल डेफिनेशन के थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आएंगे, किससे आएंगे, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, इन पाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इन पर न्यूमेरिकल पक्का आएगा, क्योंकि यही यूनिट है, इसमें हर जगह कॉम्पिटिशन हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इनसे न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। इनका क्या, इनका यूज़ है, पता होना चाहिए कंटिन्यूस टाइम कौन से होते हैं सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम कौन से होते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू या डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। पहले तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से न्यूमेरिकल आएगा, ये थ्योरी बेस्ड आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।